पता नहीं क्या हुआ होगा। आह चेमरे, कम से कम मैसेज ही कर देती। वेलकम बेटा। हेलो मॉम। मुझे टेंडर की फाइल्स चेक करनी है, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। जेमरे डार्लिंग, कैसा था तुम्हारा दिन? रेहान कहाँ जा रही हो, थक गई हो क्या? नहीं, पर मुझे पढ़ाई करनी है इसलिए जा रही हूँ। ओके डार्लिंग, आओ ना बैठते हैं, आ जाओ। तो बताओ क्या हुआ, क्या बात है बेटा, तुम कुछ उदास उदास सी लग रही हो। आज शाम को वो दोनों किसी शादी में जा रहे हैं। ओहो डार्लिंग, तुम तो जानती हो इस तरह के फंक्शन सिर्फ कपल्स अटेंड करते हैं। एमर को जाना पसंद नहीं है, पर क्योंकि उसके डैड यहाँ नहीं है इसलिए जाना पड़ रहा है। इन बातों को लेकर टेंशन मत लिया करो। अच्छा ये बताओ, सब कैसा रहा? परफेक्ट। वो लड़का वहां आया और एमर ने उसे देखा भी, सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हुआ। दैट्स ग्रेट। तो अब वक्त है हमारे दूसरे प्लान को शुरू करने का। अभी इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल, रिहान अपने रूम में स्टडी कर रही है तो लोहा गर्म है, मार देते हैं हथौड़ा। तुम ये दिखाना कि तुम रिहान की मदद कर रही हो, साथ ही वुराल को मैसेज भेजना, मैं वुराल को सब समझा दूंगी। हमारा प्लान तब कामयाब होगा जब एमिर उन मैसेजेस को देखेगा और रिएक्ट करेगा। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। हेलो, आज तो तुमने अपना काम अच्छी तरह से कर दिया, क्या अब तुम अपने अगले काम के लिए तैयार हो? ये दूसरा काम पहले वाले काम से आसान है। जिस पेज से तुम सुना के साथ चैट कर रहे थे उसे खोलो और मेरे फोन का इंतजार करो, और तुम सिर्फ तभी रिप्लाई करोगे जब मैं तुमसे कहूंगी। आई बात समझ में? ठीक है,